बात कर लेते हैं आप वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के लिए ये सप्ताह देखा जाए तो 21 तारीख से लेकर और 27 अगस्त में देखा जाए तृतीय और नवम का संबंध बन रहा है। जो ये सप्ताह आपका तृतीय और नवम का संबंध सामान्य फलदायक रहेगा, यानी सप्ताह काम और वर्कलोड में आप थोड़ा बिजी रहेंगे और जो रुका हुआ धन है वो उसकी वापसी आपकी हो सकती है। किसी ने धन उधार लिया है तो उसकी वापसी सप्ताह हो सकती है, बस आपको उसको कॉल करना पड़ेगा या एक बार घर जाके या बिना बताए उससे मिलना पड़ेगा तो आपके रुका हुआ धन की वापसी जरूर होगी। करियर में देखा जाए तो इस सप्ताह आपकी कंपनी, आपका संस्थान आपको दूसरे शहर भेज सकती है या संस्थान की ओर से आपको दूसरे शहर की यात्रा इस सप्ताह करनी पड़ सकती है। और इस सप्ताह देखा जाए तो माता पिता की कोई सोने की वस्तु गुम हो सकती है या थोड़ा सा हल्का सा उनका धन हानि का इस सप्ताह योग नज़र आ रहा है। इस सप्ताह देखा जाए तो परिवार के साथ में आप किसी पार्टी फंक्शन या किसी बर्थडे पार्टी या किसी जान पहचान की के फंक्शन में जाने के इस सप्ताह योग बन रहे हैं। इस सप्ताह मैं वृश्चिक राशि को कहूँगा कि बुरे खान पान के कारण आपको मौसमी बीमारियाँ लग सकती है, ENT गैस की एसिडिटी की परेशानी में आप आ सकते हैं। तो इसलिए बुरा खान पान नहीं रखना है, रेड़ी पटरी से खाना नहीं खाना, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस सप्ताह दाम्पत्य जीवन चाहे लव लाइफ के बारे में बात करें तो अच्छी रहेगी। कहीं ना कहीं इस सप्ताह परिवार को लेकर, बच्चों को लेकर किसी रिलेटिव के घर आप जा सकते हैं, किसी मित्र के साथ के घर आप जा सकते हैं, ऐसा योग नज़र आ रहा है। पार्टनर की को शॉपिंग करा सकते हैं इस सप्ताह, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तो कुल मिला के लव लाइफ इस सप्ताह अच्छी रहने वाली है।